नमस्कार, मैं हुनिया बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मीरापुर कस्बे में नगर पंचायत की टीम व पुलिस ने संयुक्त रूप से सभी बाजारों से व राष्ट्रीय राजमार्ग से जेसीबी मशीन लगाकर अतिक्रमण को हटवा दिया। इस दौरान टीम ने अतिक्रमण करने वालों को पुनः अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी। कई स्थानों पर व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने वाली टीम का विरोध भी किया। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेशों के बाद शनिवार को मीरापुर कस्बे में अधिशासी अधिकारी कमलकांत राजवंशी के नेतृत्व में नगर पंचायत की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की। मीरापुर इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सिंह व अधिशासी अधिकारी कमलकांत राजवंशी शाम में भारी पुलिस बल व नगर पंचायत की टीम के साथ जेसीबी लेकर कस्बे के मुख्य बाजारों में पहुंचे तथा अतिक्रमण को हटवाना शुरू किया। सेंट जेवियर्स वर्ल्ड स्कूल मीरापुर में समर कैंप बहुत ही रोमांचक पड़ाव पर पहुंच गया। दिन प्रतिदिन सभी प्रतिभागी हंसी और खुशी के साथ अपने पलों को बिता रहे हैं। बच्चों का कहना है कि हमें यहां आकर बहुत अच्छा लगा है तथा बहुत कुछ सीखने को मिला। समर कैंप के 11वें दिन कोच के रूप में नोएडा से आए परवेज राजपूत ने बच्चों को दाची, क्वाइडो, काता, पंच ब्लॉक, किक व लाठी चलाना, इन सभी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। विद्यालय कराटे कोच हरीश सैनी ने कराटे के विषय में सभी को टिप्स दिए। क्रिकेट मैच भी रोमांचक दौर में चल रहा है। 300 तथा स्पार्टन दोनों ही टीम 35-35 पॉइंटों के साथ बराबरी पर पहुंच गई। अब फाइनल बृहस्पतिवार को होगा। एम्पायर की भूमिका में राजपाल आर्य निभा रहे हैं। क्रिकेट कोच शिव कुमार दोनों ही टीमों को क्रिकेट के टिप्स समझा रहे हैं। विद्यालय प्रधानाचार्य सजीव वर्गीश ने समर कैंप में चल रहे सभी खेलों का जायजा लिया और चल रहे समर कैंप के लाभ विद्यार्थियों को बताए। मीरापुर क्षेत्र के जंगलों में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 30 पौधों को लगाकर वृक्षारोपण किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव सिखरेडा में स्थित वन विभाग के कार्यालय पर जानसठ रेंज के रेंजर पूर्णानंद कुकरेती वन विभाग की टीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 30 पौधे लगाकर वृक्षारोपण किया। जानसठ रेंज के रेंजर पूर्णानंद कुकरेती द्वारा बताया गया कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, जो कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में हमारी मदद करते हैं। पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखने के लिए हमारी टीम द्वारा हैदरपुर वेटलैंड के जंगलों में 10 पौधे लगाए गए हैं। वहीं गांव शिवपुरी सहित क्षेत्र के जंगलों में टोटल 30 पौधे लगाए गए, जिसमें वन विभाग के रेंजर पूर्णानंद कुकरेती, वन्य जीव संस्थान से प्रीति शुक्ला, राकेशन, वन दरोगा पुनित कुमार, नीतीश कुमार आदि मौजूद रहे।
और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।